नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, आज की कंप्यूटर की क्लास में हम टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे कंप्यूटर के, जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, यानी कि बार बार पूछे गए हैं। और देखिएगा, ये सभी परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के, जो कि आपके SSC, रेलवे, बैंक और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। और इसका जो PDF है बिल्कुल फ्री है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और देखिएगा, एक कंप्यूटर की हमारी पहली क्लास है और ये डेली क्लास होगी आपसे कंप्यूटर की, GK GS की, मैथ्स की, रीजनिंग की और हिंदी इंग्लिश, यानी कि आपकी डेली क्लासेस चलेंगी। कल आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा। और जितने भी लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि देखिएगा बिल्कुल फ्री क्लासेस लेकर आएंगे हम, आपको किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी कि आपको पैड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी है, आपको सब कुछ यहीं पर कवर करवा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिएगा, जो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, इसका आंसर दीजिएगा सभी। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज। याद रखिएगा सभी, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो देखिएगा, ENIAC, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिएगा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो 1946 में हुई। आप बिल्कुल इसको अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में और SCM दिल्ली पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल में। देखिएगा, हमने सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और जो बार बार रिपीट होते चले आ रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, वीडियो को पूरा देखना और सभी क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लेना। और रिवीजन के लिए इसका आपको PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाएगा विद आंसर के साथ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो यहाँ पर देखिएगा, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो 1960 से, यानी 1960 से। याद रखना है बिल्कुल आप सभी को, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 से आई। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो देखिएगा, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो संगणक है, सभी को अच्छे से याद रखना है, कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, अच्छे से याद रखना है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आप सभी एक क्वेश्चन क्लास में ही याद करते जाएं, और यदि किसी को किसी भी चीज़ में डाउट आता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन के, इसका आंसर आप सभी को देना है। CPU का पूर्ण रूप क्या है? सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का जो पूर्ण रूप है, यानी पूरा नाम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखेंगे सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो देखिएगा, गूगल आपका सर्च इंजन है, याहू आपका सर्च इंजन है, बेडू आपका सर्च इंजन है, लेकिन वॉलफ्रेम अल्फा ये आपका सर्च इंजन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा, बिल्कुल करेक्ट है, वॉलफ्रेम अल्फा जो कि एक सर्च इंजन नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इसका आंसर कमेंट कीजिएगा सभी जल्दी, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से सभी। तो देखिएगा, माउस भी आपका इनपुट है, कीबोर्ड भी आपका इनपुट है, स्कैनर भी आपका इनपुट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ये तीनों आपके इनपुट डिवाइस है, आप सभी को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
एक किलोबाइट यानी केबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? एक किलोबाइट यानी केबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1024 बाइट के बराबर होते हैं, बिल्कुल याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक मेगाबाइट यानी एमबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? एक मेगाबाइट यानी एमबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? इसका आंसर दीजिएगा सभी। तो 1024 किलोबाइट के बराबर होते हैं, एक एमबी 1024 केबी के बराबर होते हैं, आप सभी को याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक गीगाबाइट यानी जीबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? एक गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1024 एमबी के बराबर होते हैं, आप सभी को याद रखना है। देखिएगा आप सभी क्लास को एक बार पहले शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, उनको भी आप जोड़ लीजिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से दिमाग में छाप लेना, क्योंकि 2 नंबर का 100% पूछा जाएगा, क्योंकि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बनते हैं? कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन से। याद रखना है सभी को, किससे बनते हैं आईसी चिप? सिलिकॉन से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है, यानी HTTP का फुल फॉर्म क्या है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर कमेंट कीजिएगा सभी। तो देखिएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिएगा किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो लोगों आप सभी को याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा एक सुबह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो नोटबुक कंप्यूटर। क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वांटांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो क्वांटांतरण से मशीन तक, आप सभी को याद रखना है, क्वांटांतरण से मशीन तक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा मल्टी प्रोसेसिंग होती है तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, याद रखना है बिल्कुल, जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है, निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा सभी। फर्स्ट, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो देखिएगा CD-ROM, याद रखना है सभी को, CD-ROM क्या है? एक ऑप्टिकल मेमोरी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? तो अर्थमेटिक लॉजिक, याद रखना है सभी, अर्थमेटिक लॉजिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। CPU KALU में होते हैं क्या रजिस्टर, याद रखेंगे सभी। 22, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ALU का, याद रखना है सभी को, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ALU का, यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, याद रखना है सभी को, ALU का, गणना और तुलना के लिए यूज किया जाता है ALU का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है तो क्या है? प्रोसेसर, याद रखना है सभी को, क्या है? प्रोसेसर, जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, यानी कि चेंज करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं कौन कौन से, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। बिल्कुल याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। और मैं आप सभी से बार बार बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप डेली क्लासेस चाहते हो बिल्कुल फ्री सभी सब्जेक्ट की, आप केवल 1 मंथ पढ़कर देखिए, आप गारंटी से एग्जाम क्रैक कर जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा सभी। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। क्या गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, आप सभी को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। और जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा इस क्लास में, यानी कि लगभग 50 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं, तो आप 50 के 50 क्वेश्चंस बिल्कुल वीडियो में ही याद करके जाना। केवल आपको PDF से रिवीजन करना पड़ेगा और एक क्लास में ही आपको लर्न करवाने की गारंटी मेरी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। बिल्कुल दिमाग में छाप लो, क्योंकि पेपर में छपने वाला प्रश्न है ये और बार बार रिपीट हुआ है आपकी परीक्षाओं में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, परिचालन संपन्न करता है अरिथमेटिक, याद रखेंगे सभी, परिचालन संपन्न करता है अरिथमेटिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है, तो CPU में होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। बिल्कुल याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 31, प्रमुख मेमोरी किसके समन से कार्य करती है, प्रमुख मेमोरी किसके समन से कार्य करती है, तो CPU के समन से कार्य करती है। बिल्कुल याद रखना है सभी को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है क्या, माइक्रोचिप, याद रखना है सभी को, माइक्रोचिप जो कि कंप्यूटर की मस्तिष्क होती है। बिल्कुल याद रखना है अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। सभी को याद रखना है कि जो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है क्या, आउटपुट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है CPU के द्वारा, किसके, CPU के द्वारा यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं, तो प्रोसेस कहते हैं। 36, CPU का मुख्य घटक क्या है, तो देखिएगा कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट, यानी कि ये तीनों हैं। बिल्कुल याद रखना है, हम पहले भी एक कर चुके हैं, CPU के जो मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठाना है आप सभी को, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस मिले तो आप आंखें मीच के टिक कर दो। कंप्यूटर की क्षमता है सीमित, कंप्यूटर की क्षमता है सीमित। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा सभी, तो कृत्रिम, याद रखेंगे सभी, कृत्रिम। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल। बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की,
मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन की गति अधिक है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। देखिएगा बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है और परीक्षा में बार बार रिपीट हुआ है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन की गति बिल्कुल अधिक है, ठीक है। ईडीपी क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग याद रखना है सभी को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्र डेटा को, एकत्र डेटा को सूचना कहा जाता है कंप्यूटर में, आप सभी को बिल्कुल याद रखना है, कंप्यूटर में सूचना एकत्र डेटा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा सभी, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह बा संख्यात्मक सूचना को, याद रखेंगे सभी, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह बा संख्यात्मक सूचना को, और कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्र डेटा को। आप सभी को ये दोनों प्रश्न अच्छे से याद रखना है। देखिएगा ये 42 वाला, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्र डेटा को, और कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह बा संख्यात्मक सूचना को, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो सीपीयू के द्वारा होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट कहते हैं। 46, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। आप सभी को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल दिमाग में छाप लेना है ये प्रश्न, क्योंकि बार बार रिपीट हुआ है आपकी परीक्षाओं में। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे भाई आप SSC MTS, SSC CHSL, SSC CGL या फिर SSC CPO, SSC FCI यानी SSC GD, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्लास। और ऐसे क्वेश्चन देखिएगा आपको डेली मिलेंगे, डेली क्लास में हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे कंप्यूटर को, आपको कंप्यूटर की टेंशन नहीं करना है बिल्कुल भी, आप केवल डेली क्लास ज्वाइन करना है आप सभी को। और इसका जो टाइम टेबल है मैंने आपसे कहा है कि मैं कल बता दूंगा, जिसमें हमारी देखिएगा कंप्यूटर की क्लास होगी, GK GS की क्लास होगी, रीजनिंग की क्लास होगी, हिंदी की क्लास होगी, इंग्लिश की क्लास होगी और मैथमेटिक्स की क्लास होगी, यानी सुबह से शाम तक आपकी डेली क्लासेस होंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ATM क्या होता है? यानी ऑप्शन नंबर ए, बिना स्टाफ के नकदी देना, बिना स्टाफ के नकदी देना ATM का मतलब होता है, यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी बोलते हैं इसे हम, एनी टाइम मनी भी बोलते हैं, यानी 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिना स्टाफ के नकदी देना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर कमेंट करें फास्ट, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं क्या? डेटा किए जाते हैं, बिल्कुल याद रखना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 49, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है, बिल्कुल अच्छे से सभी को पता होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है, बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, प्रथम गणना यंत्र है क्या अबेकस? प्रथम गणना यंत्र है क्या अबेकस? इसका आंसर लगभग सबको आता होगा, क्योंकि यदि आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो बिल्कुल 100% आप सभी को आंसर पता होगा, कंप्यूटर का गणना यंत्र क्या है? अबेकस। लेकिन इतने इजी क्वेश्चंस भी आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि स्टूडेंट छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन आप सभी को छोड़कर नहीं आना है, यानी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, आपको अच्छे से रिवीजन करना है, जो चीज़ आपको आती भी है आप फिर भी उसको एक बार पढ़कर जरूर जाइएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें दिक्कत खड़ी कर देती हैं, यानी बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देती हैं, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत रहिए, बिल्कुल नॉर्मल की तरह पढ़िए और डेली आप क्लास ज्वाइन कीजिए, और जितना भी आपको पढ़ाऊँ उसका PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप डेली रिवीजन कीजिए, आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, आपको जाना नहीं केवल 4 से 5 घंटे अपनी स्टडी में देना है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप 100%
एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। और देखिएगा जो हमारा मैथ का डेटा है उसमें देखिएगा आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, वो भी आपको देखिएगा फुल कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ। और टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। जैसे कि मैं आपको एक चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको परसेंटेज यदि कंप्लीट करवाया तो परसेंटेज की आपको प्रैक्टिस सीट दी जाएगी, जिसमें आपके 20 से 30 क्वेश्चन रहेंगे और आपको डेली होमवर्क के लिए रहेंगे, आपको रिविज़न करना है और आप हमें क्लास में इसके आंसर दोगे, या फिर आप हमें आंसर व्हाट्सअप पर सेंड करोगे या फिर टेलीग्राम पर आप हमें सेंड करोगे। और संडे टू संडे आपका टेस्ट लिया जाएगा, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा आप बिल्कुल निष्फिक्र रहिए। यदि आप सरकारी नौकरी चाहते हो तो आप DSP कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।